जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन स्टेट वाइज रिजर्वेशन कितना दिया हुआ है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है रिजर्वेशन, और ईडब्ल्यूएस का कितना है, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन की भी बात होगी। तो इसमें वोमेन के रिजर्वेशन और एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो देख लें कि स्टेट वाइज रिजर्वेशन कितना है एक्स सर्विसमैन का और वोमेन का। आज हम बात करेंगे एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में, हर स्टेट में कितना है। 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई स्टेटों में ऐसा है कि 50% से भी ऊपर हो रहा है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कोटा ऑल स्टेट। शुरुआत करते हैं, उससे पहले बता दें कि हम अपने चैनल में ऐसे जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी जॉब से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं, आंध्र प्रदेश का रिजर्वेशन एससी का है 15%, एसटी का है 6% और ओबीसी का है 19%, ईडब्ल्यूएस और अदर का है 10%। ईडब्ल्यूएस का ये रिजर्वेशन अभी शुरू हुआ है, ये अभी सरकार ने कानून पारित करके ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कर दिया है, जिससे हो गया 60% रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है, ये स्टेट वाइज अपना देश भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जिसमें सभी आ जाते हैं, चाहे जनरल के भी कमज़ोर वर्ग के लोग हों, चाहे किसी भी कास्ट के, वो इसमें आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस का स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो देगी रिजर्वेशन, और अगर नहीं चाहेगी तो नहीं भी दे सकती है। तो हर स्टेट में इसका अलग अलग प्रावधान है, ये ध्यान रखें। इसके बाद बात करें अंडमान निकोबार की, तो सिर्फ ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है अंडमान निकोबार में 38%, बाकी एससी एसटी बहुत ही कम उधर है, इसलिए उनका रिजर्वेशन नहीं है। तो टोटल 38% रिजर्वेशन है अंडमान निकोबार। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 80% एसटी लोग रहते हैं, तो इसलिए 80% उनका रिजर्वेशन एसटी लोगों का है, तो बहुत बड़ा रिजर्वेशन अरुणाचल प्रदेश में। आसाम की बात करें, एससी का है 7%, एसटी का है 15%, ओबीसी 27 और ईडब्ल्यूएस का 11%, यानी कि टोटल 60% रिजर्वेशन दिया हुआ है आसाम में। अभी बात करेंगे हम बिहार की, तो बिहार ने 15% एससी के लिए, 1% एसटी के लिए, क्योंकि एसटी माइनॉरिटी बहुत ही कम है उधर, ओबीसी के लिए 34%, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओबीसी है, इसीलिए कई जगह ये भी डिमांड आ रही कि अभी रिजर्वेशन के लिए ये जातिगत जनगणना की जाए, जिससे कि और पता चले किस कास्ट के कितने लोग रहते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का 10%, टोटल 60% हो गया रिजर्वेशन। अभी इसके बाद बिहार की बात करें, तो बिहार की तो हो गई बात, अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में ओबीसी लोग ज़्यादा है, सॉरी चंडीगढ़ में ओबीसी का रिजर्वेशन 27% दिया, बाकी किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो अपने हिसाब से आगे पीछे वो कर लेते हैं, स्टेट का ये पॉलिसी होती है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में एससी 13%, एसटी 32, ओबीसी 14 और ईडब्ल्यूएस 10, 69% रिजर्वेशन, ये ज़्यादा रिजर्वेशन हो रहा है 50 से। अब ये दमन द्वीप और उसके लिए है एससी 3, एसटी 9, ओबीसी 27, टोटल 39%, 50% से भी कम। दिल्ली के लिए एससी 15%, एसटी 7, ओबीसी 27 और ईडब्ल्यूएस 10, 60%। इसके बाद गोवा की बात करें, 2% एसटी एससी, एससी 2%, एसटी 12%, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 10%, 51% टोटल। गुजरात 7% एससी, 14 एसटी, ओबीसी 27, 10% ईडब्ल्यूएस, 59% टोटल। हरियाणा 20% एससी, एसटी उधर बहुत ही कम मात्रा में है, और ओबीसी के लिए 27 और 10% है ईडब्ल्यूएस, टोटल 64%, काफ़ी बड़ी मात्रा में हरियाणा में रिजर्वेशन है। हिमाचल प्रदेश में 25%, 4% है एसटी का और ओबीसी का 20%, 10% EWS का, 59% एससी का, 25% हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद झारखंड 10%
SC ST 26 बड़ी मात्रा में और 14%, OBC 10%, EWS टोटल 60%। नेक्स्ट कर्नाटक का 15% SC 3% ST, OBC 32%, टोटल 50%। EWS का उनके सरकार के अनुसार आगे पीछे होता रहता है। केरला का 8% SC ST 2% OBC 40%, टोटल 50%। लक्षद्वीप में ST को 100% रिजर्वेशन है। लक्षद्वीप ध्यान रखें, ST लोग माइनॉरिटी मैक्सिमम उधर है, तो 100% उन्हीं के लिए रिजर्वेशन है। इसके बाद मध्य प्रदेश 16% SC ST 20 OBC 14, टोटल 50%। MP का 50% अभी हुआ है। EWS का वो किसी जिस जॉब में उनको लगता है कि इसमें देना जरूरी है उसमें देते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं, ये सरकार की पॉलिसी है। महाराष्ट्र SC 13 ST 7 और 32 OBC, EWS 10 62% रिजर्वेशन। मणिपुर 3% SC 34% ST 17% OBC 54% और मेघालय में ST के लिए 80%, मिजोरम में भी 80% और नागालैंड में भी 80%। ST काफ़ी बड़ी मात्रा में उधर रहते हैं। उड़ीसा 16% SC 22% ST 11% OBC और 49% टोटल हो गया रिजर्वेशन। पांडुचेरी का 16% SC और OBC को 34% 50% रिजर्वेशन। पंजाब 29% SC 12% OBC, टोटल 41%। 10% EWS का भी रिजर्वेशन है, वो उनके सरकार पे डिपेंड करता है। राजस्थान 16% SC 12% OBC ST और 21% OBC 10% EWS, टोटल 59% रिजर्वेशन। सिक्किम 5% SC ST 21 OBC 24, टोटल 50%। तमिलनाडु 18% SC 1% ST 50% OBC, टोटल 69%। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना 15% SC 6% ST 29% OBC 10% EWS 60% रिजर्वेशन। त्रिपुरा 17% SC 31% ST 2% OBC और 50% टोटल रिजर्वेशन। उत्तर प्रदेश 21% SC, काफ़ी बड़ी मात्रा में, ST 2% और OBC 27%, टोटल 50%। EWS का रिजर्वेशन भी देती है सरकार अभी इस समय, UP गवर्नमेंट, ये ध्यान रखें। उत्तराखंड 18% SC ST 3% 13% OBC, टोटल 34%, इसमें भी EWS का भी रिजर्वेशन होता है। वेस्ट बंगाल 22% SC 6% OBC और 6% ST 7% OBC, टोटल 35%, इसमें भी EWS का रिजर्वेशन नहीं दिया है, वो भी दिया जाता है। तो ये था ऑल स्टेट का रिजर्वेशन और एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन। हमने एक अलग वीडियो बनाया, उसके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो देख लेना है। और महिलाओं का रिजर्वेशन भी उसी में दिया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों को पता हो जाए कि अपने स्टेट में कितना रिजर्वेशन है। थैंक यू। जय हिंद।